अगर दोस्तों 2 सेकंड में 3 सेकंड में वो हेडिंग्स आपको अट्रैक्ट ना कर पाए तो आप वो एड स्किप कर देते हो। इसीलिए हेडिंग को अट्रैक्टिव बनाना उतना ही जरूरी है जितना अच्छे खाने में नमक का होना। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डिजिटल संजोग और आप लोग देख रहे हैं गूगल एड्स की सबसे बड़ी सीरीज 2021 में। दोस्तों इस सीरीज में हम लोग पहुंच गए हैं लास्ट सेक्शन में जहां पर हम लोग गूगल एड्स को क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे फीचर्स को पास करते करते हम लोग सीखते सीखते यहां तक पहुंच गए और फाइनली हम लोग उस सेक्शन में आ चुके हैं जहां पे हम लोग को गूगल एड्स लिखना है, मतलब गूगल एड्स की हेडिंग्स प्लस डिस्क्रिप्शन लिखना है। दोस्तों हेडिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट, दोस्तों कोई भी ऐड का मेटा टाइटल या उसकी हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है और वो हेडिंग आपके अटेंशन को ग्रैब करने की कोशिश करती है। अगर दोस्तों 2 सेकंड में 3 सेकंड में वो हेडिंग्स आपको अट्रैक्ट ना कर पाए तो आप वो एड स्किप कर देते हो, मतलब वो 2-3 सेकंड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपने गूगल एड्स की सीरीज देखी होगी तो काफ़ी सारे फीचर्स हम लोगों ने इंक्लूड किए हैं, सीखे हैं। उन फीचर्स को अगर लोग देखना चाहे तो डेफिनेटली हेडिंग्स भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन फीचर्स को देखने के लिए सबसे पहले वो हेडिंग देखेगा, हेडिंग के बाद ऐड ओपन करेगा और उसके बाद में आपको लीड जनरेशन शुरू हो जाएगी। इसीलिए हेडिंग को अट्रैक्टिव बनाना उतना ही ज़रूरी है जितना अच्छे खाने में नमक का होना। दोस्तों चलो शुरुआत करते हैं हम लोग किस तरह से हेडिंग को लिखा जाए। फ्रेंड्स, हेडिंग क्रिएट करने का कोई फॉर्मूला है? यस दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे 10 फॉर्मूले बताऊंगा, 10 टाइप्स बताऊंगा जिसके थ्रू आप अपने हेडिंग्स बहुत ही आसानी से क्रिएट कर सकते हो विद एग्जाम्पल। सो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग आ चुके हैं गूगल एड्स के फाइनल सेक्शन में जहाँ पर हम लोग ऐड क्रिएट करेंगे और ऐड क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको URL डालना होगा और URL होगा आपका लैंडिंग पेज का। दोस्तों लैंडिंग पेज मतलब वो पेज जिसके ऊपर में आप अपने यूज़र को लेकर जाना चाहते हो, तो ये शायद आपका होम पेज हो सकता है या फिर कोई भी पेज जहाँ पर आप चाहते हो कि सबसे पहले आपके उस पर्टिकुलर पेज के ऊपर में कस्टमर आना चाहिए, तो आपको लैंडिंग पेज का लिंक यहाँ पर डालना होगा। दूसरा है डिस्प्ले पाथ। दोस्तों डिस्प्ले पाथ में आप कुछ कीवर्ड्स डाल सकते हो ताकि रिलेवेंसी क्रिएट हो सकती है आपके ऐड के साथ में उन कीवर्ड्स की, तो ये डिस्प्ले पाथ है जो है इस URL के आगे लगेगा। जैसे यहाँ पे URL है दोस्तों, ऐसा कुछ URL होता है तो पढ़ने में डिफ़िकल्टी जाती है, राइट? तो इसीलिए आपको यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, एक सजेशन, इसीलिए गूगल ने आपको यहाँ पे एक तरीका दिया जिसमें आप अपने कीवर्ड को यहाँ पर, जैसे कीवर्ड डाल दिया मैंने, तो दोस्तों यहाँ पे 15 वर्ड तक का ही काउंट आता है तो आपको यहाँ पर कम करना होगा। तो डिजिटल एजेंसी डाल सकता हूँ क्योंकि हम लोग एज ए एजेंसी यहाँ पर जो है, तो मैंने डिजिटल एजेंसी डाल दी जो 14 कैरेक्टर्स की है। और यहाँ पर और एक डाल सकता हूँ सेकेंड लाइन, यहाँ पर डाल देते जनरेट लीड्स। तो इस तरह से मैंने 2 कीवर्ड यहाँ पे यूज़ कर लिया दोस्तों और दोनों कीवर्ड इस डिस्प्ले पाथ में आ गए। अब आते हैं दोस्तों हम लोग हेडिंग सेक्शन में जिसके लिए हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं। और हेडिंग सेक्शन में आप देख सकते हैं कुछ हेडिंग्स गूगल ने यहाँ पर सजेस्ट किया है। दोस्तों जब भी आपकी ऐड या आपकी वेबसाइट का URL आप शेयर करते हो, फाइनल URL क्रिएट करते हो, यहाँ पर आपको URL फर्स्ट पेज में भी आप डाल सकते हो, और जब आप शेयर करते हो तो गूगल एड्स आपके वेबसाइट के ऊपर में जो कीवर्ड्स है उनकी रिलेवेंसी चेक करके आपको यहाँ पर कुछ कीवर्ड सजेस्ट करता है। तो यहाँ पर कुछ कीवर्ड दिखाई दे रहे हैं जिनका सर्च वॉल्यूम अच्छा खासा होगा, आपको CPC चेक करना है। कैसे करना है आपको मैं बाकी वीडियोज़ में बता चुका हूँ, आप प्रीवियस वीडियोज़ देख कर फिर से यहाँ पर आ सकते हैं दोस्तों, बहुत ही आसान है। और उसके हिसाब से आप कीवर्ड रिसर्च करके यहाँ पर जो कीवर्ड दिख रहे हैं उन कीवर्ड्स को चूज़ करना है आपको हेडिंग में। लेकिन दोस्तों एक फार्मूला है जो मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर, और उसके लिए मैं आपको लेके जाऊँगा प्रेजेंट। दोस्तों हम लोग को यहाँ पे हेडिंग्स लिखनी है और हेडिंग्स के लिए कुछ सजेशंस गूगल ने दिए हैं। इसके अलावा भी आप अपने हिसाब से भी हेडिंग क्रिएट कर सकते हो। हेडिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब आप अपने क्लाइंट्स को, अपने सब्सक्राइबर्स को ऐड दिखाते हो और क्लिक करने के लिए उनको मजबूर कर देते हो, या फिर उतनी अट्रैक्टिव बनाते हो, उतनी लुक्रेटिव बनाते हो, उतनी बेनिफिशियल बनाते हो अपने कस्टमर्स के लिए कि उनको उस ऐड के ऊपर में क्लिक करना है, और उसके लिए हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे कितना भी आप बैकएंड में काम करके रखो, अच्छा कीवर्ड रिसर्च करो, अच्छे आप टूल्स, आप प्लगइन्स ऐड करके रखो, लेकिन अगर आपकी हेडिंग्स प्रॉपर नहीं है दोस्तों तो आपकी एड्स के ऊपर में क्लिक्स नहीं आएंगे। इसलिए आपको कुछ सजेशन देने वाला हूँ और उसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ एक प्रेजेंटेशन के ऊपर। दोस्तों जैसे मेरी एक कंपनी है और उस कंपनी के थ्रू मैं डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरी डिजिटल मार्केटिंग कंपनी के लिए मैं ऐड रन करूँ, तो मेरे क्लाइंट्स कौन से होंगे, मेरे सब्सक्राइबर्स, मैं किसको चाहूँगा कि यह ऐड दिखे? दोस्तों डेफिनेटली मैं चाहूँगा कि वो हर एक लोकल बिजनेस में या इंटरनेशनल नेशनल मार्केट में मेरी ऐड शो हो और उसके बाद में लोग उसको क्लिक करके मेरे पेज के ऊपर में आए।
दोस्तों मेरा प्रोडक्ट है डिजिटल मार्केटिंग, SEO, कंटेंट मार्केटिंग, और मेरे टारगेट कस्टमर्स हो सकते हैं सलोन, लोकल बिजनेस की बात करें, या हॉस्पिटल्स, या रेस्टोरेंट, या स्कूल्स, कॉलेजेस, ये मेरे प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स हो सकते हैं जिनको लीड चाहिए, और लीड चाहिए तो कन्वर्जेंस आएंगे उनको। उनको कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना होगा, कोई नई वेबसाइट है, नया कोई सॉफ्टवेयर कंपनी है, या फिर नई कुछ फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिनको नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तब भी उनको डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू ऐड करवानी जरूरत है। तो उनको भी एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों, और ऐसे वक्त में मुझे एक ऐसी ऐड लिखनी है या फिर ऐसी हेडिंग्स लिखनी है कि उनको अट्रैक्ट करे। सो दोस्तों यहाँ पे मल्टीपल हेडिंग्स दी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और इसके अलावा आप ऐड हेडलाइंस कर सकते हो, और यहाँ पे हेडलाइंस ऐड करके और भी ज़्यादा हेडलाइंस को निखार सकते हो। दोस्तों यहाँ पे जो भी हेडलाइंस आती है वो आपके कस्टमर्स को दिखना शुरू हो जाएगी। तो 3 हेडलाइंस यहाँ पे दिखती है दोस्तों, जब भी आप कोई हेडलाइंस यूज़ करोगे तो 3 हेडलाइंस दिखती है, और ये 3 हेडलाइन जो है वो 30 कैरेक्टर्स की होती है। मतलब ये इंडिविजुअली एक सिंगल हेडलाइन 30 कैरेक्टर्स की होती है, 90 कैरेक्टर्स की हेडलाइंस यहाँ पे आपको दिखाई देगी, और ये वेरिएबल कैरेक्टर्स है दोस्तों, वेरिएबल हेडलाइंस है। तो आपके कस्टमर्स के इंटरेस्ट के हिसाब से उसको ऐड दिखाने का काम गूगल ऐड करेगा। सपोज आप एक ही ऐड में मल्टीपल हेडलाइंस क्रिएट कर रहे हो, जैसे मैंने हेडलाइन क्रिएट की सुपरमार्केट के लिए, बाद में हॉस्पिटल के लिए, तो हॉस्पिटल के लिए जो गूगल को लगता है ऑप्ट क्लाइंट हो सकता है हॉस्पिटल के लिए, उनको वो ऐड दिखाई जाएगी। तो जिस भी ऐड के ऊपर में ज़्यादा इंप्रेशंस आएंगे वो ऐड मेरी पहले दिखाई देगी। तो इसलिए मुझे मल्टीपल हेडिंग्स डालनी है ताकि मेरे किसी भी ऐड के ऊपर में ज़्यादा इंप्रेशन आएंगे तो ज़्यादा क्लिक्स आएंगे, और क्लिक्स आएंगे तो डेफिनेटली लीड्स आएंगे, और उसके बाद में कन्वर्जेंस आएंगे। इसके लिए मुझे बनवानी है बेस्ट हेडिंग। तो उसके लिए चलते हैं प्रेजेंटेशन के ऊपर में। दोस्तों सबसे पहले हेडिंग हो सकती है क्विक वे टू, मतलब ये जो वर्ड देने वाला हूँ मैं यहाँ पर, या जो सजेशन देने वाला हूँ, नियर अबाउट 10 सजेशन है दोस्तों। इन 10 सजेशन में आपको हेडिंग के आगे कौन से वर्ड्स को यूज़ करना है ताकि आप अपनी हेडिंग्स को अट्रैक्टिव बनाओ, ये बताने वाला हूँ। तो आप जो है सबसे पहले लिखेंगे क्विक वे टू। दोस्तों क्विक वे टू का एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, क्विक वे टू बिकम अ टॉप सैलून इन द सिटी। अगर कोई सलून है जिसको अपने सिटी में टॉप का सलून बनना है, तो वो हमेशा चाहेगा कि जल्दी बनूँ, क्विक वे में बनूँ, कम समय में बनूँ, और ऐसी सिचुएशन में उसको डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की ज़रूरत पड़ सकती है। दोस्तों इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्विक वे टू, मतलब इंस्टेंट चाहिए हर किसी को आजकल, तो इंस्टेंट चाहिए, तो ऐसे कीवर्ड यूज़ करोगे क्विक वे टू बिकम टॉप सलून इन द सिटी, हायर बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। तो मैसेज बहुत क्लियर हो जाता है दोस्तों, और अट्रैक्शन आ जाता है इन वर्ड्स में, और उसके बाद में क्लिक्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए ऐसे वर्ड्स, क्विक वे टू जैसे वर्ड आपको यूज़ करने हैं आपके हेडिंग के सामने, और उस हेडिंग को ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाना है। अब दोस्तों दूसरे हेडिंग की तरफ चलते हैं, बेस्ट सीक्रेट ऑफ। दोस्तों हमेशा हम लोग सीक्रेट जानने के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं, बहुत हम लोग ईगर टू नो सीक्रेट्स ऑफ ईच एंड एवरी वन। उसी तरह से आपके कस्टमर्स को भी सीक्रेट जानने होते हैं। अगर आप ऐसा हेडिंग लिखते हो, बेस्ट सीक्रेट ऑफ इंक्रीजिंग लीड्स, अगर उनको लीड चाहिए, और अगर आप ऐसा सीक्रेट बताते हो, बेस्ट सीक्रेट ऑफ इंक्रीजिंग लीड्स, देन हायर टॉप क्लास डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, तो डेफिनेटली आपके ऊपर ज़्यादा इंप्रेशंस और क्लिक्स आएंगे दोस्तों आपके ऐड के ऊपर में। ये हेडिंग काफ़ी अट्रैक्टिव हो सकती है, क्योंकि सीक्रेट बताने की कोशिश कर रहे हो। अगर आपके कस्टमर्स को सीक्रेट जानने हैं तो आपके कंपनी को हायर करना है, ये स्ट्रेट मैसेज उनको चला जाता है। और ये वर्ड्स बेस्ट सीक्रेट, ये बहुत ऑप्ट है दोस्तों, बहुत अट्रैक्टिव है। उसके बाद में नेक्स्ट सेंटेंस है दोस्तों, लिटिल नोन वेज। तो हर कोई जानना चाहता है कि कम जो ऐसे सीक्रेट्स पता है, या फिर ऐसे वेज, या फिर नंबर ऑफ वेज पता लगाए जो हर किसी को पता नहीं हो, ताकि आप अपने बिजनेस में लीड करो, वो USP पता करो, ताकि आप अपने बिजनेस के लिए फोकस कर पाओ। तो अगर आप ऐसे टाइटल लिखते हो, ऐसे हेडिंग लिखते हो, लिटिल नोन वेज टू इंक्रीज सेल्स ऑफ सुपरमार्केट, आपका सुपरमार्केट है, आपका ई कॉमर्स स्टोर है, आपका हॉस्पिटल है, सो लिटिल नोन वेज टू इंक्रीज सेल्स, लिटिल नोन वेज टू इंक्रीज बिजनेस, लिटिल नोन वेज टू इंक्रीज एडमिशंस इन स्कूल। दोस्तों ऐसे अगर आप कमेंट्स, ऐसे जो हेडिंग्स है यहाँ पर शुरुआत करते हो जो आपके कस्टमर्स के अटेंशन को ग्रैप करती हो, तो वो बहुत अच्छी हेडलाइन हो सकती है, और उसके बाद में लिखो आप हायर बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग। दोस्तों नेक्स्ट है हु एल्स वॉन्ट्स टू, इसका मतलब होता है दोस्तों कि आप जो है किसको बताना चाहते हो। मतलब सपोज ये ऐसी हेडिंग है, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया है, हु एल्स वॉन्ट टू गेट ड्रीम लॉन्च, मतलब कौन नहीं चाहता कि मेरा कंपनी का ड्रीम लॉन्च हो, या मेरी वेबसाइट का लॉन्च हो, मेरा प्रोडक्ट का लॉन्च हो, या मेरे प्रोडक्ट के ऊपर में बिजनेस है। हु एल्स वॉन्ट्स टू गेट ड्रीम बिजनेस, दोस्तों ये बहुत अच्छा ऑप्ट कीवर्ड है, जिनको भी जो सोचते हैं, सपने में देखते हैं कि मेरा बिजनेस ग्रो हो,
ऐसा कीवर्ड लिखते हैं, ऐसा हेडिंग लिखते हैं यहाँ पर, तो डेफिनेटली आपके कंपनी के ऊपर में ज़्यादा इंप्रेशन, ज़्यादा क्लिक्स आएंगे। और उसके बाद है SEO कंपनी ऑफ द ईयर। अगेन मैंने यहाँ पे और एक कीवर्ड यूज़ किया है SEO कंपनी ऑफ द ईयर, उसका भी सर्च वॉल्यूम अच्छा खासा है और ये बहुत ऑप्टिकल, ये बहुत अट्रैक्टिव है SEO कंपनी ऑफ द ईयर। उनको ऐसा लगता है कि ये कंपनी जो है वो बेस्ट कंपनी है, और ऐसे कीवर्ड यूज़ करके मैं कस्टमर्स के आईबॉल्स को कैप्चर करूँगा और डेफिनेटली आपके पास ज़्यादा लीड्स आएगी। नेक्स्ट है दोस्तों वर्ल्ड क्लास कंपैरिजन। अगेन जब आप कंपैरिजन करना शुरू करते हो किसी ऐसे बंदे के साथ में जो आप बनना चाहते हो, तो उसके लिए आपको ऐसे कीवर्ड लिखने पड़ेंगे। रन योर होटल, अगर आपका रेस्टोरेंट है, रन योर रेस्टोरेंट लाइक ओयो रूम्स, या रन योर लॉज लाइक ओयो रूम्स, मतलब ओयो रूम्स एक बड़ा ब्रांड बन चुका है। अगर ओयो रूम्स की तरह आप अपने रेस्टोरेंट को चलाना चाहते हो, देन गेट 50% ऑफ ऑन फर्स्ट कैंपेन। तो मैं 50% ऑफ दूंगा आपको और मैं आपको हेल्प करूंगा एज अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ये इस ऐड का मतलब होता है। और डेफिनेटली इस ऐड के ऊपर में भी क्लिक्स आएंगे दोस्तों, क्योंकि आप कंपैरिजन कर रहे हो। रन योर बिजनेस लाइक टाटा, रन योर बिजनेस लाइक अंबानी, रन योर बिजनेस लाइक जावेद हबीब, तो ये बड़े बड़े ब्रांड्स हैं। तो अगर इनके द्वारा आप अपना सलून चलाना चाहते हो तो डेफिनेटली आप हमारे पास आइए, हम डिजिटल मार्केटिंग करेंगे, ये मतलब होता है इस हेडिंग का। और डेफिनेटली इसके ऊपर में भी क्लिक्स आएंगे। अब है दोस्तों हियर इज अ टेक्निक। दोस्तों ये वर्ड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर कोई टेक्निक जानना चाहता है, और यहाँ पे भी यही मेंशन किया है, हियर इज अ टेक्निक ऑफ बिकमिंग नंबर वन किड्स क्लोथिंग स्टोर। अगर आपके बच्चों के कपड़ों की दुकान है, या आपका कोई हॉस्पिटल है, अगर आपका रिटेल स्टोर है, फार्मास्यूटिकल स्टोर है, तो आप चाहोगे कि ऐसी टेक्निक पता चले आपको कि आप नंबर वन स्टोर बन जाओ वहाँ का। तो उसके लिए आपको स्टार्ट कैंपेनिंग फ्रॉम रुपीज़ 100 रुपीज़ में आप कैंपेनिंग शुरू करो और हायर बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग टीम टुडे। तो इस तरह के तीन हेडिंग बनाइए जो एक दूसरे के साथ में सूट करती है। अगर आपको नंबर वन स्टोर बनना है तो आप 100 रुपये से भी शुरुआत कर सकते हो, और उसके लिए आपको डिजिटल मार्केटिंग कंपनी हायर करनी है। ये हेडिंग काफ़ी अच्छी हो सकती है दोस्तों। उसके बाद में है दोस्तों एवरीबडी वॉन्ट टू नो अबाउट। अगेन हर कोई आपकी सक्सेस स्टोरी के बारे में जानना चाहेगा, और आप चाहते हो कि आपकी स्टोरी हर कोई सुने। तो दोस्तों एवरीबडी वुड लाइक टू नो अबाउट योर सक्सेस स्टोरी, गेट एक्सपर्ट एडवाइस। अगर आपको अपनी सक्सेस स्टोरी बनाना चाहते हो तो अगेन डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को हायर कीजिए। इस तरह के कीवर्ड से दोस्तों जो काफ़ी अट्रैक्टिव हो जाते हैं। उसके बाद में दोस्तों हैव और बिल्ड, इन दोनों में से एक वर्ड यूज़ करना है। जैसे आप बिल्ड योर ड्रीम होम, बिल्ड योर इंटरनेशनल ब्रांड, बिल्ड योर करियर, ये कीवर्ड्स हैं जो आपको अट्रैक्ट करते हैं। बिल्ड या हैव अ ग्रेट करियर, इस तरह के कीवर्ड्स या हेडिंग्स आपको आपके कस्टमर को अट्रैक्ट करेगी, और उसके बाद में आपके डिजिटल मार्केटिंग कंपनी के पास उनको आना पड़ेगा। इस तरह के कीवर्ड्स, इस तरह के हेडिंग्स को यूज़ करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। नेक्स्ट है गेट रीड ऑफ वंस एंड ऑल, मतलब अगर आप परेशान हो तो आप उनको परेशानी को छोड़ दो। इसका मतलब ये होता है, मतलब गेट रीड ऑफ योर फेल्यूअर्स, गेट रीड ऑफ योर लेस बिजनेस, लेस गेट रीड ऑफ योर लिमिटेड लीड्स वंस एंड ऑल। अगर आप अफोर्डेबल एडवाइस अगर टॉप डिजिटल मार्केटिंग कंपनी से लेते हो तो यू विल बी गेट रीड ऑफ ऑल द फेल्यूअर्स ऑफ योर्स। इस तरह का इसका मतलब होता है दोस्तों, मतलब आप अपने फेल्यूअर्स को से निकलो बाहर, ये डिजिटल मार्केटिंग कंपनी आपको हेल्प कर सकती है। ऐसे हेडिंग्स बहुत ज़्यादा अटेंशन क्रिएट करते हैं। और दोस्तों फाइनली है नाउ यू कैन गेट 3x बिजनेस, नाउ यू कैन गेट 100+ लीड्स फॉर योर बिजनेस। इस तरह के कीवर्ड्स, इस तरह के हेडिंग्स अगेन आईबॉल्स कैप्चर करती है दोस्तों, और बुक ऑनलाइन पे आफ्टर योर रिजल्ट, मतलब इस तरह के कीवर्ड्स लिखना है जो कस्टमर सुनना चाहता हो और जो आपके ऐड की तरफ अट्रैक्ट होता हो। तो ऐसे हेडिंग्स यूज़ करोगे तो डेफिनेटली आपको ज़्यादा रिजल्ट आएगी। तो यहाँ पर जो हेडिंग्स यूज़ करना है दोस्तों, जैसे मैं कोई हेडिंग यूज़ कर लेता हूँ, यहाँ से एक हेडिंग यूज़ कर ली मैंने और मैंने यहाँ पर डाल दी। अब दोस्तों मेरी ये हेडिंग बन चुकी है यहाँ पर, यहाँ पे हेडिंग आ चुकी है 26 कैरेक्टर्स की है 30 में से। और उसके बाद में नेक्स्ट हेडिंग की तरफ बढ़ते हैं। अब मैं देखता हूँ दूसरी कोई हेडिंग जो मुझे और अट्रैक्टिव लगती हैं, जो मैंने बना के रखी है। जैसे ये मैंने हेडिंग ले ली यहाँ पर, तो इसको मैं उठा लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो मेरी ये हेडिंग भी हो गई है क्रिएट। अब नेक्स्ट हेडिंग चलते हैं। उसके अलावा हम लोग सपोज़ ये मुझे हेडिंग करना है बेस्ट सीक्रेट ऑफ इंक्रीजिंग लीड्स, ये मुझे यूज़ करना है, तो मैंने ये यहाँ पर यूज़ कर लिया। अब आप देख सकते हो ये तीन लीड्स यहाँ पर, तीन डिस्क्रिप्शन जो है चेंज होते रहेंगे यहाँ पर। और भी आप नंबर ऑफ डिस्क्रिप्शन यहाँ डाल सकते हो, गूगल आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देता है। या क्विक वे टू बिकम टॉप सेलर इन द सिटी, ये मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ। तो जिस तरह से आपके कस्टमर की
इंटरेस्ट होगा, कस्टमर का इंटरेस्ट होगा, उस तरह से गूगल आपके ऐड को दिखाएगा। तो दोस्तों यहाँ इस तरह से मैंने चार हेडिंग यूज़ की है। ये URL का ऑप्शन दोस्तों मैंने ऑलरेडी बताया कि कैसे करना है, और इसको जिक्लिड कहते हैं, और गूगल आइडेंटिफिकेशन नंबर जो किस तरह से ऐड करना है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ मेरे वीडियो में, ऊपर लिंक दिए हैं, और इसके अलावा इसमें कोडिंग की ज़रूरत नहीं है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको किस तरह से गूगल एड्स के हेडिंग्स और साथ में डिस्क्रिप्शन बनाना ये समझ में आ गया। अगर अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हो ताकि मैं आपको रिप्लाई कर पाऊँ। दोस्तों हम लोगों ने इस सीरीज में कई सारे टॉपिक्स कवर किए गूगल एड्स से रिलेटेड, और आने वाले कुछ वीडियोज़ में भी गूगल एड्स के टॉपिक कवर करने वाले हैं। हम लोग एंटायर ऐड भी रन करके देखेंगे, कुछ ट्रिक्स और टिप्स भी आपको देखने को मिलेगी। सो बने रहिए दोस्तों, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने लव्ड वन को बता दीजिए अभी भी गूगल ऐड की सीरीज चल रही है, क्वेश्चंस है तो पूछिए दोस्तों, मैं आपको आंसर करूंगा। और साथ में मैं चाहूंगा कि आप लोग गूगल ऐड्स के थ्रू अपने पैसे बचाओ और साथ में पैसे कमाओ। कैसे कमाना है उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा। टिल देन थैंक यू सो मच, सी यू सून, बाय बाय।